हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं जुलाई 19 से लेकर 31 तक के करंट अफेयर्स और साथ ही साथ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस, सिटीज, डैम्स, अवार्ड्स एंड फेस्टिवल्स, बुक्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट डेज, सीएम कैपिटल्स एंड गवर्नर्स एकदम अपडेटेड लिस्ट, और उसके अलावा इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। उसके अंदर आज हम कवर करने वाले हैं ग्रीवेंस ऑफिसर्स, टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो भी रेलवे स्टेशन रीनेम हुए हैं वो GI टैग 2021 एंड 2020, ऑल्सो ग्रैंड प्रिक्स 2021, उसके कौन कौन विनर्स हैं विट्रिक्स, एंड इंपॉर्टेंट बुक्स देखेंगे 2021 की, क्योंकि सभी एग्जाम्स में ये पूछी जाती है। तमूलपुर एक नया डिस्ट्रिक्ट बन गया है असम का, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेल्सन मंडेला डे हम ऑब्जर्व करते हैं 18 जुलाई को। हरेला फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है उत्तराखंड के अंदर। हाईएस्ट रन T20 में मना लिए हैं क्रिस गेल ने। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना क्रिस गेल किस कंट्री के प्लेयर है। दी फास्टेस्ट इंडियन क्रिकेटर टू रीच 6000 रन, ये बन गए हैं शिखर धवन। साइंस एक्सप्लोरेशन डे, मून डे, ये हम ऑब्जर्व करते हैं 20 जुलाई को। क्यों करते हैं? क्योंकि 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग एंड एडविन बज ये मून के सर्फेस पर लैंड किए थे इसी दिन। स्पार्कसन ट्रॉफी ये विश्वनाथ आनंद ने जीत ली है। ICC एडिड न्यू मेंबर्स एट 78th एनुअल जनरल मीटिंग, ये कौन से हैं तीन नए मेंबर्स? ये हैं मंगोलिया, तजाकिस्तान एंड स्विट्जरलैंड। आप इनकी कैपिटल नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, मंगोलिया की काफ़ी इंटरेस्टिंग है उलन बतूर, आप बाकी दो की बताना नीचे। टोटल मेंबर्स अब हो गए हैं ICC के 106, जिसमें 94 एसोसिएट्स हैं। अब दोस्तों देखते हैं AIFF अवार्ड 2021। इसमें वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है बाला देवी को, वुमेन्स एमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर का मिला है मनीषा कल्याण को, और बेस्ट रेफरी का अवार्ड मिला है तेजस नागवेंस कार्गो। बालिका पंचायत की शुरुआत हुई है कुनेरिया विलेज ऑफ कच्छ गुजरात के अंदर, एंड कच्छ इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। टॉप स्पीड ट्रेन 600 किलोमीटर पर आवर, ये मैगलिफ ट्रेन है चाइना की। S-500 एयर डिफेंस, इसके और भी नाम है पिरोमेट्री और 55R6M, ये रशिया की है, इसकी रेंज है 600 किलोमीटर। कैन यू बिलीव इट, न्यू PM ऑफ हाइती बन गए हैं एरियल हेनरी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज ये बनेगा नोएडा के अंदर, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी नोएडा। केलास फर्स्ट बुक विलेज ये है पेरुमुकुलम, ये फर्स्ट बुक विलेज है ऑफ केरला। इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बना रही है। डेप्यूटी लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा बन गए हैं मुख्तार अब्बास नकवी, ये हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर भी हैं। फर्स्ट रेविज फ्री स्टेट ऑफ इंडिया बन गया है गोवा। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पेरू बन गए हैं पेड्रो कैस्टिलो। PM ऑफ हाइती मैं बता चुका हूँ एरियल हेनरी। प्रेसिडेंट ऑफ ईरान अभी अभी बने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इब्राहिम राइसी। PM ऑफ इथोपिया आबे अहमद बने हैं, इथोपिया कैपिटल है एडिस अबाबा। बाकी सभी कंट्रीज की आप बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका बन गए हैं बैसिल राजपक्षा, ये महिंद्रा राजपक्षा के भाई हैं, तीनों भाई बन गए हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एंड नाउ फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो। PM ऑफ स्वीडन ये बन गए हैं स्टीफन लोफेन। प्रेसिडेंट ऑफ मंगोलिया ये हैं उखना खुरेलसुक। PM ऑफ इसराइल ये हैं नफ्ताली बेनेट। इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम बताना आप नीचे कमेंट बॉक्स में, और ये बताना कौन से नंबर के PM बने इसराइल के आफ्टर बेंजामिन नेतन्याहू। ट्रायल ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस इन इट्स कैपिटल, ये UP गवर्नमेंट ने बोला है कि लखनऊ के अंदर ट्रायल किया जाएगा इलेक्ट्रिक बसेस का। AIFF वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है बाला देवी को, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है संदेश झिंगन को। AIFF इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है मनीषा कल्याण एंड सुरेश वेंगजेम को। AIFF बेस्ट रेफरी ऑफ द ईयर का मिला है तेजस नगवेनकर को। AIFF ग्रेटेस्ट असिस्टेंट रेफरी ऑफ द ईयर का मिला है सुमान दत्ता को। इंडिया कैडिट चैंपियन बन गए हैं अमन गुलिया 48 kg एंड सागर जगलैन 80 kg। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन ये केरला पुलिस ने लॉन्च किया है। द फर्स्ट सिल्वर मेडल इन वेट लिफ्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जीत लिया है मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में 49 kg वेट कैटेगरी, सुपर इंपॉर्टेंट। ये है मणिपुर की, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। द ग्रेट बिग लॉयन ये बुक लिखी है क्रेलिस नाइट ने। राइट इन्फॉर्मेशन एट राइट टाइम फॉर फार्मर्स ये किसान सारथी प्लेटफॉर्म करेगा। गोल्ड मेडल एट वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप ये जीत लिया है प्रिया मलिक ने। चाइल्ड वेलफेयर सर्विस स्कीम ये उत्तर प्रदेश की है। एडिशनल चार्ज ऑफ द चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये मिल गया है अरमाने गिरिधर को। बैंक विद सोल ये बुक लिखी है सीके गरियाली ने। वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज ये नीदरलैंड्स ने बनाया है, नीदरलैंड्स की कैपिटल आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। न्यू यूनेस्को साइट बन गई है धोलावीरा, ये गुजरात के अंदर है, ये 14th यूनेस्को हेरिटेज साइट बन गई है इंडिया के अंदर, सुपर इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो पक्का पूछा जाएगा एग्जाम में। न्यू CM ऑफ कर्नाटका बन गए हैं बसवराज बोमाई, इसको याद रखना, आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करूंगा इसको। तो न्यू CM ऑफ कर्नाटका बन गए हैं
बासवराज बोमाई और यहाँ के गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत, ये भी नए नए बने हैं। डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर एट इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर फॉर 2029 ये बन गए हैं प्रमोद भगत। कारगिल विजय दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं 26 जुलाई को। हिल्सा फिश यूपी बिहार एंड झारखंड के अंदर पाई जाती है। ओवर इट ये बुक लिखी है लोजो जोनस ने। फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट सिलेक्टेड बाय द वर्जन ग्रुप ये बन गए हैं संतोष जॉर्ज कोलेंगारा। द इंडियन स्टोरी बुक ये लिखी है बिमल जालान ने। काकतिया रुद्राक्षेश्वर टेम्पल ये तेलंगाना का है। रमप्पा टेम्पल ये भी तेलंगाना का है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला है। एन ऑर्डिनरी लाइफ ये बुक लिखी है अशोक लवासा ने, ही वॉज द फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। रेनेगेड्स बोर्न इन द USA ये बुक लिखी है बराक ओबामा एंड ब्रूस स्प्रिंगस्टीन ने। इनकम टैक्स डे हम ऑब्जर्व करते हैं 24 जुलाई को। जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस ये अप्रूवल मिल गया है फिलीपींस में। सेंट्रल साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस 2021 ये ऑर्गेनाइज करी है उज्बेकिस्तान ने। उज्बेकिस्तान की कैपिटल आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताना। माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल ये यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ये बन गए हैं नासिर कमर। जोग जोंग सोशल मीडिया ये बांग्लादेश ने बनाया है अपना अलग सोशल मीडिया, जैसे इंडिया का हुआ है ऐसी जोग जो ऐसी जोगा जोग है बांग्लादेश का। इंटरनेशनल टाइगर डे हम ऑब्जर्व करते हैं 29 जुलाई को। जैसे 9/2/11 हो जाना, टाइगर देखकर सभी 9/2/11 हो जाते हैं ना, इस तरह आप याद रख सकते हो 2 and 9, 29 जुलाई, राइट। फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी ये केरला बना रहा है। पीएम ऑफ लेबनान बन गए हैं नजीब मिकाती, लेबनानी कैपिटल है बेरूत। इंडियाज रैंक इन ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इन 2019 इसमें इंडिया की रैंक है 9th और 3.1% हमने कंट्रीब्यूट किया है। 23rd सीएम ऑफ कर्नाटका बन गए हैं बसवराज एस बोमई, फिर से बता रहा हूँ। दी सिटी ऑफ बर्ले मैक्स साइट ये ब्राज़ील की है। बियो रेट्रो पार्क एंड पेसियो डेल प्रेडो ये स्पेन का है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिल गया है इसीलिए मैं बता रहा हूँ। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ USA हैं एंटोनी ब्लिंकन, ये इंडिया की विजिट पर आए हुए थे, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से इन्होंने बात की थी। इंडियाज ओनली सिटी टू बी सिलेक्टेड फॉर इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम जो हर बार स्वच्छता इंडेक्स में टॉप करता है वो है इंदौर हमारा, मध्य प्रदेश के अंदर है ये। वाई वी नील हाउ वी राइज ये बुक लिखी है माइकल होल्डिंग ने। द यंगेस्ट इंडिविजुअल ओलंपिक चैंपियन ये बन गई हैं मोमिजी निशिया, ये जापान की हैं ओनली 13 ईयर्स ओल्ड। 83rd CRPF रेजिंग डे सेलिब्रेट करते हैं हम 27 जुलाई को। भूत जोलोकिया या राजा मिर्ची नागालैंड की है। द यंगेस्ट पर्सन टू स्केल माउंट K2 ये बने हैं सहर रोजे कासिफ, ये पाकिस्तान के हैं। इंडियाज फर्स्ट ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये बना है कांडला गुजरात के अंदर, और गुजरात इंडिया का ऐसा स्टेट है जिसके साथ सबसे लंबी सी बाउंड्री है। जी हाँ, कोस्ट लाइन सबसे लंबी इंडिया की गुजरात के साथ। मिस इंडिया USA 2021 बन गई है वेदी डोंगरे। नेशनल वेमेन ऑनलाइन चेस टाइटल जीत लिया है वंतिका अग्रवाल ने। फिलीपींस ने फर्स्ट टाइम गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक्स में, और किसने जीता है हिल्डियान डियाज, और फिलीपींस की कैपिटल क्या है मनीला। चलिए दोस्तों अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं जो एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट हैं, जैसे ग्रीवेंस ऑफिसर्स ऑफ वेरियस सोशल मीडिया कंपनीज इन इंडिया। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम की बनी है स्फूर्ति प्रिया, ट्विटर के बने हैं विनय प्रकाश, व्हाट्सएप के बने हैं परेश बिलाल, कू के बने हैं राहुल सत्याम, कू के फाउंडर्स कौन है आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताना। टेलीग्राम के बने हैं अभिमन्यु यादव, लिंक्डइन के बने हैं तान्या मेपिले, शेयर चैट के बने हैं हार्लिन सेठी, गूगल के बने हैं जो ग्रीन ग्रियर, बाई डांस के बने हैं अनुज भाटिया, चिंगारी के बने हैं दीपक सालवी, MX टकाटक इसके बने हैं प्रतीक संघवी, जोश इसके बने हैं मिस्टर नागराज। अब आप मुझे ये बताना कमेंट बॉक्स में कि कितने यूजर्स होने पर सोशल मीडिया कंपनीज को एक ग्रीवेंस ऑफिसर रखना पड़ेगा अपना। चलिए अब देखते हैं टोक्यो ओलंपिक्स 2020 जो 2021 में हो रहा है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोटो इस बार इसका यूनाइटेड बाई इमोशन, इसका मैस्कोट है मिरिया टोवा, और जो पैरा ओलंपिक्स है उसका है सोमेटी, और जो समर ओलंपिक्स है उसका है मिरिया टोवा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू गेम्स 3 ऐड हुए हैं, कराटे स्केटबोर्डिंग स्पोर्ट क्लाइंबिंग एंड सर्फिंग, सॉरी 4 गेम्स ऐड हुए हैं न्यू गेम, तो ये हैं कराटे स्केटबोर्डिंग स्पोर्ट क्लाइंबिंग सर्फिंग, तो ये चारों स्पोर्ट्स का डेब्यू होगा टोक्यो ओलंपिक 2020 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सुपर इंपॉर्टेंट। ओपनिंग सेरेमनी हुई थी 23rd जुलाई को, इंडिया की तरफ से फ्लैग बेरर थी MC मैरीकॉम एंड मनप्रीत जो हमारी हॉकी टीम के कैप्टन हैं। क्लोजिंग सेरेमनी होगी 8 अगस्त 2021, बजरंग पुनिया इंडिया के फ्लैग बेरर होंगे, और जो पैरा ओलंपिक्स हो रहे हैं इसकी ओपनिंग सेरेमनी में थे मरियप्पन थंगावेलु जो लॉन्ग जंप करते हैं इनके बारे, और इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिला है, इनके बारे में आप और भी कुछ नीचे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इंडिया ऑफिशियल थीम सॉन्ग है लक्ष्य तेरा सामने है, आप ये बताना ये किसने सिंग किया, इसके सिंगर कौन है।
फर्स्ट सिटी इन एशिया टू होस्ट समर ओलंपिक्स ट्वाइस, ये बनी है टोक्यो, जो जापान की कैपिटल है। जापान के पीएम कौन है आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। फर्स्ट सिटी टू होस्ट पैरा ओलंपिक्स फॉर द सेकेंड टाइम, ये अगेन टोक्यो। ओनली थ्री समर ओलंपिक्स हैव बीन कैंसिल्ड, ये है 1916 बर्लिन ओलंपिक्स, 1940 हेलसिंकी ओलंपिक्स, हेलसिंकी किसकी कैपिटल है, फिनलैंड की, बर्लिन है जर्मनी की, 1944 लंदन ओलंपिक्स, ये तीन बार कैंसिल हो चुके हैं। ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ ओलंपिक्स गेम्स, ये हैं इंग्लिश एंड फ्रेंच। यंगेस्ट कन्फर्म ओलंपिक मेडलिस्ट, ये हैं डिमिट्रियस लोंडर्स, जो 10 ईयर्स के थे 1896 एथेंस ओलंपिक्स में, इनको मेडल मिला था, और एथेंस कैपिटल है ग्रीस की। चलिए दोस्तों अब देखते हैं रीनेम्ड रेलवे स्टेशन। सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश के, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहीं पर हुए हैं। मंडूडिया रेलवे स्टेशन का नाम हो गया है बनारस रेलवे स्टेशन। डंडूपुर रेलवे स्टेशन का नाम हो गया है माँ बराई देवी धाम। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम हो गया है वीरांगना लक्ष्मी बाई स्टेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, नाइस। नोरगर रेलवे स्टेशन का नाम हो गया है सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन, गुड। रॉबर्ट गंज रेलवे स्टेशन का नाम हो गया है सोनभद्र रेलवे स्टेशन। मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम हो गया है दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। पनकी रेलवे स्टेशन का नाम हो गया है पनकी धाम रेलवे स्टेशन। अलाहाबाद जंक्शन का हो गया है प्रयागराज जंक्शन। अलाहाबाद सिटी का हो गया है प्रयागराज धाम। और प्रयाग घाट का हो गया है प्रयागराज संगम। सुनाम रेलवे स्टेशन जो पंजाब के अंदर है, इसका नाम हो गया है सुनाम उधम सिंह वाला रेलवे स्टेशन। रायगढ़ रेलवे स्टेशन का हो गया है यादादरी रेलवे स्टेशन। हवेली रेलवे स्टेशन का नाम हो गया है महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन। हुबली जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम हो गया है श्री सिद्धारोदा स्वामी रेलवे स्टेशन। बेंगलोर सिटी स्टेशन का नाम हो गया है कालाबुर्गी रेलवे स्टेशन। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम हो गया है रांची थलेवर डॉक्टर एम जी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन। मऊ रेलवे स्टेशन का नाम हो गया है डॉक्टर अंबेडकर नगर रेलवे स्टेशन। एल्फिस्टोन रेलवे स्टेशन का नाम हो गया है प्रभा देवी रेलवे स्टेशन। ओशीवरा रेलवे स्टेशन का नाम हो गया है राम मंदिर रेलवे स्टेशन। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम हो गया है नाना शंकर सेठ टर्मिनस। चलिए दोस्तों आप देखते हैं 2021 एंड 2020 के जीआई टैक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिल्वर फिलग्रे का मिला है उड़ीसा को, चेदापुट्टा सारी का मिला है तमिलनाडु को, बासमती राइस का मिल गया है पाकिस्तान एंड ऑफ कोर्स इंडिया को भी, सुंदरबन हनी का मिला है वेस्ट बंगाल को, और गुची मशरूम का मिला है जम्मू एंड कश्मीर को। 2020 के देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तेजपुर लीची का मिला है असम को, दल्ले खुरसाई का मिला है सिक्किम को, खाजे का मिला है गोवा को, हरमल चिली का मिला है गोवा को, मेंडोली बनाना का मिला है गोवा को, कश्मीर सैफरन का मिला है ऑफकोर्स जम्मू एंड कश्मीर को, तेराकोटा का मिला है गोरखपुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जखाऊ राइस का मिला है मणिपुर को, कोबीपट्टी कडामलाई मिठाई ये मिला है तमिलनाडु को, सोहराई एंड खोवर पेंटिंग ये झारखंड को मिला है, पुट्टापका तिलाई रुमाल ये तेलंगाना को मिला है, खोला चिल्ली ये गोवा को मिला है, थंजेवुर नीटी वर्क्स ये तमिलनाडु को मिला है, अरुम्बावूर वुड कार्विंग्स ये तमिलनाडु को मिला है। दोस्तों अब देखते हैं ग्रैंड प्रिक्स 2021, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी ट्रिक है बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी मायावती की बहुजन समाज पार्टी, इस तरह आप याद रख सकते हो। तो ट्रिक ये है कि बीएसपीपी बहरेन ग्रैंड प्रिक्स ये लुइस हैमिल्टन ने जीत लिए, लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन के प्लेयर हैं मर्सिडीज चलाते हैं, और फिर बी से अगेन ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स ये लुइस हैमिल्टन ने जीत ली है, और पी से पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स ये भी लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है, और स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स ये लुइस हैमिल्टन ने जीत ली है। तो बीएसपी से आप याद रख सकते हो। तो लुइस हैमिल्टन ने जीती हैं बहरेन, ब्रिटिश, पोर्तुगीज एंड स्पेनिश, और ऐसे वैसे तो दो हैं, एक यहाँ पर भी है, तो याद रखना स्पेनिश वाली जीती है लुइस हैमिल्टन ने। इसके अलावा नेक्स्ट की ट्रिक है FEMAS, फेमस, फेमस की तरह है ना कुछ कुछ, फेमस FAMOUS सही स्पेलिंग है, और FEMAS से आप याद रख सकते हो। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स जीती है मैक्स वर्स्टैपन ने, ये नीदरलैंड्स के प्लेयर हैं होंडा एंड रेडबुल चलाते हैं। एमेला रोमेंगा ग्रैंड प्रिक्स जीती है मैक्स वर्स्टैपन ने, अगेन मोनेको भी इन्होंने ही जीती है मैक्स वर्स्टैपन ने, ऑस्ट्रेलियन भी इन्होंने ही जीती है, स्टेरियन भी इन्होंने ही जीती है। इसके अलावा बच गई अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स, ये जीती है सर्गियो परेज जो मेक्सिको के हैं। दोस्तों अब देखते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स 2021 की, और यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फ्यूचर ऑफ द पावर ये लिखी है राजीव मल्होत्रा ने, अ रोड मैप फॉर एंटरप्रेन्योर ये लिखी है जितेंद्र गुप्ता ने, नेहरू तिब्बत एंड चाइना ये लिखी है अवतार सिंह भैसीन ने, बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट ये लिखी है राम माधव ने, कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी ये लिखी है के रघोथमन ने, होम इन द वर्ल्ड अ मेमोरी ये लिखी है अमर्त्य सेन ने, सच कहूँ तो ये ऑटोबायोग्राफी है नीना गुप्ता की, द स्पिरिचुअल सीईओ ये है एस प्रकाश की बुक, ब्यूटीफुल थिंग्स ये लिखी है हंटर बाइडन, जो बाइडन का लड़का हंटर बाइडन, 1-2-3-2 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम ये लिखी है विनोद कापरी ने, लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ एसे 2003-2020 ये लिखी है सलमान रुश्दी ने, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी ऑटोबायोग्राफी है सुरेश रैना की, द पॉपुलेशन मिथ ये लिखी है फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एस वाई कुरैशी, द मेकिंग ऑफ आधार ये लिखी है राम सेवक शर्मा ने,
स्टारगेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, ये लिखिए रवि शास्त्री ने। अकीम अपॉन अ लाइट हाउस, ये लिखिए शांतनु नायडू ने। गेजिंग ईस्ट वार्ड, ये लिखिए रोमिला थापड़ ने। आई एम नो मसीहा, ये लिखिए मीना आयर एंड सोनू सूद के ऊपर लिखी गई है। टाइमलेस महिंद्रा, ये लिखिए आदित्य जल दरु खान वाला। टर्न अराउंड इंडिया, ये लिखिए आर पी गुप्ता ने। स्टोरीज आई मस्ट टेल एंड एक्टर्स इमोशनल जर्नी, ये ऑटोबायोग्राफी है कबीर बेदी की। द एपिक बैटल ऑफ लोंगेवाला, ये भरत कुमार ने लिखी है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, ये रामचंद गुहा ने लिखी है। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, ये लिखी है अनन्या दत्ता ने। माई ईयर्स विद राजीव, ये लिखी है वजहत हबीबुल्ला। एक बार फिर से देखते हैं सुपर इंपॉर्टेंट बुक, यहाँ पर और भी ऐड कर दिए मैंने कुछ। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, ये लिखी है अनिंदिया दत्ता। माई एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस, ये लिखी है समीर सोनी ने। इन द ड्रीम हाउस अ मेमोरी, ये लिखी है कार्मिन मारियो मैकेडो। नेम्स ऑफ द वेमेन, ये लिखी है जीत थयाल ने। इंडियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अ सिविलाइजेशन, ये लिखी है नमित अरोरा ने। बिलीव वोट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये लिखी है सुरेश रैना एंड भारत सुदर्शन ने। द क्रिसमस पिग, ये लिखी है जे के रोलिंग, वेरी फेमस राइटर फॉर हैरी पॉटर सीरीज। द लिविंग माउंटेन, ये लिखी है अमिताभ घोष ने। वेयर अबाउट, ये लिखी है झुंपा लहरी ने। मनोहर पारिकर, ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, ये लिखी है नितिन गोखरे ने। द बेंच, ये लिखी है मेघन मार्कल ने। एलिफेंट इन द बूम, ये लिखी है कल्कि कोचिन। लाइफ इन द क्लोक टाउन वैली, ये लिखी है शकूर राठे ने। नेहरू तिब्बत एंड चाइना, लिखी है अवतार सिंह बैसी ने। सेवन लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट, ये लिखे आदित्य गुप्ता ने। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ ऐसे 2003-2020, लिखिए सलमान रुश्दी ने, वेरी फेमस राइटर। सच कहूँ तो, ये लिखिए नीना गुप्ता ने। ओडिशा इतिहास, ये लिखी है हेरा क्रुशा महतब ने। सुपेरी पलाना, ये लिखे डॉक्टर शैलेंद्र जोशी ने। क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन फॉर वन एंड ऑल, ये लिखे आकाश रैनीसन ने। इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट, ये लिखे शिवशंकर मैनन ने। सावरकर अ कॉन्टेस्टेड लेगेसी, ये लिखे विक्रम संपत ने। होम इन द वर्ल्ड, ये लिखिए अमृत सेन ने। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, ये लिखिए रवि शास्त्री एंड आयाज मैनन ने। द नटमेग कर्स पैरेबल्स फॉर अ प्लेनेट इन क्राइसिस, ये लिखे अमिताभ घोष ने। बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोइम्स, ये लिखिए विष्णु पांडा सेती ने। द सेवन सिंस ऑफ बींग अ मदर, ये लिखिए ताहिरा कश्यप खुराना ने। हब्बा खातून, ये लिखी है काजल सूरी ने। विल स्मिथ एंड मार्क मैनसन। माई जॉयज एंड सोरोज एज अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड, ये लिखिए कृष्णा सक्सेना ने। इट्स वंडरफुल लाइफ, ये लिखिए रस्किन बॉन्ड ने। फियर्सली फीमेल द दुती चंद स्टोरी, ये लिखिए संदीप मिश्रा ने। कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ अ सोसाइटी इन फ्लक्स, ये लिखिए खेमलता व खेलू ने। पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी, ये लिखिए कौशिक बासु ने। एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस, ये लिखिए आर वी रविंद्रन ने। ब्यूटीफुल थिंग्स, ये लिखिए हंटर बाइडन ने। बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ, ये लिखिए मोहम्मद हमीद अंसारी फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अनफिनिश्ड अ मेमोरी, ये लिखिए प्रियंका चोपड़ा जोनस ने। स्टारस्ट्रक कन्फेशंस ऑफ अ टीवी एग्जीक्यूटिव, ये लिखिए पीटर मुखर्जी ने। The terrible, horrible, very bad good news, ये लिखी है मेघना पंत ने। Stories I must tell, an actor's emotional journey, ये लिखी है कबीर बेदी ने। Maverick मसीहा, ये लिखी है रमेश कंडूला ने। The commonwealth of cricket, ये लिखी है रामचंद गुहा ने। मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड, ये लिखी है वमन सुभा प्रभु ने। राइट अंडर आर नोज, ये लिखी है आर गिरिधरन ने। इंडिया 71 ईयर टेज द जर्नी टू ड्राइम टू ऑस्ट्रेलिया, ये लिखी है आर कौशिक ने। डोन अंडर द डोम, ये लिखी है भगत सिंह कोश्यारी ने। इंडियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अ सिविलाइजेशन, ये लिखिए नमित अरोरा ने। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज जुलाई मंथ के। 1 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे, जीएसटी डे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डे। 1 जुलाई को इसके अलावा हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे, सीए डे, नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे। 2 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, वर्ल्ड यूएफओ डे। 4 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे, धर्मचक्र डे। 6 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड जूनोसिस डे। 7 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं ग्लोबल फॉरगिवनेस डे, वर्ल्ड चॉकलेट डे एंड इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। 10 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल फिश फार्मर्स डे। 11 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वेरी इंपॉर्टेंट। 12 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल मलाला डे एंड नबार्ड फाउंडेशन डे। 15 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। 17 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। 18 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। और 20 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड चेस डे। 23 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। और 26 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं कारगिल विजय दिवस। 27 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं रेजिंग डे ऑफ CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स एक तरह से, वैसे टेक्निकली CAPF। 28 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। 29th को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल टाइगर डे। और 30th को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस, इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप। और 31 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड रेंजर डे। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं स्टेट वाइज लिस्ट ऑफ CM एंड गवर्नर्स, क्योंकि अभी अभी अपडेट हुए हैं 8 स्टेट्स के गवर्नर्स, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए जो भी अगस्त से शुरू होने वाले हैं। आंध्र प्रदेश, इसको फाउंड किया गया था 1 नवंबर 1956, और यहाँ की कैपिटल है अमरावती, और यहाँ के गवर्नर हैं
बिश्वभूषण हरिचंदन और यहाँ के सीएम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 यहाँ की कैपिटल है ईटानगर और यहाँ के गवर्नर है ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा और यहाँ के सीएम है पेमा खांडू। असम 26 जनवरी 1950 यहाँ की कैपिटल है दिसपुर और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी और यहाँ के सीएम बने हैं हेमंता बिस्वा शर्मा अभी अभी। बिहार 22 मार्च 1912 यहाँ की कैपिटल है पटना और यहाँ के गवर्नर हैं फागु चौहान और यहाँ के सीएम हैं नीतीश कुमार। छत्तीसगढ़ नया रायपुर या फिर बिलासपुर यहाँ की गवर्नर हैं अनुसुईया उके और यहाँ के सीएम हैं भूपेश बघेल। गोवा 30 मई 1987 यहाँ की कैपिटल है पणजी और यहाँ के गवर्नर बन गए हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई और यहाँ के सीएम हैं प्रमोद सावंत। गुजरात गांधीनगर यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और यहाँ के सीएम हैं विजय रूपाणी। हरियाणा 1 नवंबर 1966 यहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़ ये पंजाब की भी कैपिटल है और यहाँ के गवर्नर हैं बंदारू दत्तात्रेय और यहाँ के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर। हिमाचल प्रदेश इसको फाउंड किया गया था 15 अप्रैल 1948 यहाँ की कैपिटल है शिमला और यहाँ के गवर्नर बन गए हैं अब राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और यहाँ के सीएम हैं जयराम ठाकुर। झारखंड 15 नवंबर 2000 यहाँ की कैपिटल है रांची और यहाँ के गवर्नर बन गए हैं अब रमेश बैस और यहाँ के सीएम है हेमंत सोरेन। कर्नाटका 1 नवंबर 1956 यहाँ की कैपिटल है बेंगलुरु और यहाँ के गवर्नर अब बन गए हैं थावरचंद गहलोत और यहाँ के सीएम है बीएस येदुरप्पा। केरला 1 नवंबर 1956 यहाँ की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान और यहाँ के सीएम है पिनरई विजयन। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1950 यहाँ की कैपिटल है भोपाल यहाँ के नए गवर्नर बन गए हैं एमसी पटेल और यहाँ के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान। महाराष्ट्र 1 मई 1960 यहाँ की कैपिटल है मुंबई और यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और यहाँ के सीएम हैं उद्धव ठाकरे। मणिपुर 21 जनवरी 1972 यहाँ की कैपिटल है इम्फाल यहाँ की गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला और यहाँ के सीएम हैं एन बीरेन सिंह। मेघालय 21 जनवरी 1972 यहाँ की कैपिटल है शिलोंग यहाँ के गवर्नर बन गए हैं सत्यपाल मलिक और यहाँ के सीएम हैं कोंगरेन संगमा। मिजोरम 20 फरवरी 1987 यहाँ की कैपिटल है आइजोल और यहाँ के गवर्नर हैं हरिबाबू खंबापति और यहाँ के सीएम हैं जोरमथंगा। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 यहाँ की कैपिटल है कोहिमा और यहाँ के गवर्नर हैं आरएन रवि और यहाँ के सीएम हैं नेफ्यू रियो। ओडिशा 1 अप्रैल 1936 यहाँ की कैपिटल है भुवनेश्वर और यहाँ के गवर्नर हैं प्रोफेसर गणेशीलाल माथुर और यहाँ के सीएम हैं नवीन पटनायक। पंजाब 1 नवंबर 1966 यहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़ हरियाणा की भी है और यहाँ के गवर्नर हैं वीपी सिंह भदनौरे और यहाँ के सीएम हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। राजस्थान 30 मार्च 1949 यहाँ की कैपिटल है जयपुर और यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा और यहाँ के सीएम हैं अशोक गहलोत। सिक्किम 16 मई 1975 यहाँ की कैपिटल है गैंगटोक और यहाँ के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद और यहाँ के सीएम हैं प्रेम सिंह तमांग। तमिलनाडु 1 नवंबर 1956 यहाँ की कैपिटल है चेन्नई और यहाँ के गवर्नर हैं बनवारीलाल पुरोहित और यहाँ के सीएम हैं एम के स्टेलिन। तेलंगाना इसको फाउंड किया गया था 2 जून 2014 और यहाँ की कैपिटल है हैदराबाद और यहाँ के गवर्नर हैं डॉक्टर तमिलसलाई सुंदराराजन और यहाँ के सीएम हैं के चंद्रशेखर राव। त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 यहाँ की कैपिटल अगरतला और यहाँ के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य और यहाँ के सीएम हैं बिप्लव कुमार देव। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 यहाँ की कैपिटल है लखनऊ और यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और यहाँ के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 यहाँ की कैपिटल है देहरादून और यहाँ की गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य और यहाँ के नए सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी। वेस्ट बंगाल 20 जून 1947 यहाँ की कैपिटल है कोलकाता और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ और यहाँ की सीएम है ममता बनर्जी। चलिए दोस्तों अब देखते हैं यूनियन टेरिटरीज उनके कैपिटल और लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर के साथ जहाँ पर सीएम है वो भी देखेंगे। अंडमान एंड निकोबार इसको फाउंड किया गया था 1 नवंबर 1956 और यहाँ की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्री देवेंद्र कुमार जोशी। चंडीगढ़ 1 नवंबर 1966 यहाँ की कैपिटल भी चंडीगढ़ है और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं श्री वीपी सिंह बदनोरे। दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव 26 जनवरी 2020 यहाँ की कैपिटल है दमन और यहाँ के गवर्नर हैं श्री प्रफुल्ल पटेल। दिल्ली 1 नवंबर 1956 यहाँ की कैपिटल है न्यू दिल्ली और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्री अनिल बेजाल और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल। जम्मू एंड कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 यहाँ की कैपिटल श्रीनगर एंड जम्मू है यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। लक्षद्वीप 1 नवंबर 1956 यहाँ की कैपिटल है कवरत्ती और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं श्री प्रफुल्ल पटेल। पुद्दुचेरी 1 नवंबर 1954 यहाँ की कैपिटल है पुद्दुचेरी और यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं तमिसलाई सुंदराराजन और यहाँ के सीएम हैं एन रंगास्वामी। लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 यहाँ की कैपिटल है लेह और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्री राधा कृष्ण माथुर।
दैट्स इट फॉर द डे फ्रेंड्स। अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।